नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने भक्ति रसगंगा चैनल में। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस साल चैत्र नवरात्रि 2 अप्रैल से शुरू हो रही है, जो 11 अप्रैल सोमवार को समाप्त होगी। ज्योतिष आचार्यों के अनुसार इस बार की चैत्र नवरात्रि में काफी शुभ संयोग बन रहे हैं। इन योगों में कल स्थापना के साथ माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा करने से भक्तों को दूना फलों की प्राप्ति होगी। हिंदू धर्म में नवरात्रों का बहुत ही खास महत्व है। चैत्र नवरात्रि के साथ ही भारतीय नव संवत्सर की शुरुआत होगी। आज हम आपको साल 2022 चैत्र नवरात्रों में बनने वाले दुर्लभ और खास शुभ संयोगों के साथ ही कल स्थापना शुभ मुहूर्त और इन शुभ योगों में सुख समृद्धि पाने के लिए घर लाए जाने वाले कुछ विशेष चीजों के बारे में बताएंगे। साल 2022 में चैत्र नवरात्रि का पर्व 2 अप्रैल शनिवार से शुरू होकर 11 अप्रैल सोमवार तक चलेगा। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 1 अप्रैल प्रातःकाल 11:53 पर। प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 2 अप्रैल प्रातःकाल 11:58 पर। कल स्थापना शुभ मुहूर्त होगा 2 अप्रैल प्रातःकाल 6:10 से 8:31 तक। घट स्थापना अभिजीत मुहूर्त होगा 2 अप्रैल दोपहर 12 बजे से 12:50 तक। अष्टमी तिथि होगी 9 अप्रैल शनिवार। नवमी तिथि होगी 10 अप्रैल रविवार। नवरात्रि पारण व दशमी तिथि होगी 11 अप्रैल सोमवार। घट या कल स्थापना प्रतिपदा और अभिजीत मुहूर्त में करना लाभकारी होगा। इस बार चैत्र नवरात्रि 2 अप्रैल शनिवार से आरंभ हो रही है। नवरात्रों में माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आएगी और साथ ही इस साल नवरात्रों में किसी भी तिथि का 6 न होने के कारण नवरात्रि पूरे 9 दिनों की होगी। वही ज्योतिष की माने तो इस नवरात्रि करीब 168 साल के बाद नव संवत्सर यानी नवरात्रि पर ग्रह परिवर्तन का महासंयोग निर्मित हो रहा है। 14 अप्रैल को सूर्य कुंभ राशि से मीन में प्रवेश करेंगे तो वही मंगल 8 अप्रैल को मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। बुध 7 अप्रैल को कुंभ राशि से निकलकर मीन में प्रवेश करेंगे और गुरु 9 अप्रैल को मीन राशि में प्रवेश करेंगे। राहु 12 अप्रैल को वृषभ से मेष में और 29 अप्रैल को शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। शास्त्रों के अनुसार इस बार नवरात्रि के दौरान बन रहे इन शुभ योगों के चलते माँ दुर्गा की पूजा बहुत ही फलदायी होती है। ज्योतिष अनुसार यदि शुभ मुहूर्त और ग्रहों के इन शुभ संयोगों में माँ की आराधना के साथ ही कुछ विशेष चीजें घर पर लाई जाए तो माता रानी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहती है। घर में सुख समृद्धि के लिए इस नवरात्रों में कमल पर विराजमान मां की तस्वीर, मोरपंख, सोने चांदी का सिक्का, माता रानी के लिए 16 श्रृंगार का सामान, केले या तुलसी का पौधा, शंख पुष्पी की जड़ और गाय का घी, इनमें से कोई भी एक चीज खरीदकर घर के मंदिर में स्थापित करें, यह बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। इससे आपके धन धान्य में